इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें फुल तैयार हैं, वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने जा रहा है और ये शानदार मुकाबले जो हैं ये आप देख सकेंगे लाइव। हर रोज़ एक मैच होगा, हमें लेकिन इंतज़ार है अपने मैच का। फिर कैसे देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा मैच है, प्रेशर सिचुएशन वही जो हम बात कर रहे थे कि ये फिर दोबारा बात आ जाती है प्रेशर पे, तो ये प्रेशर हैंडल करना, इतनी टीम, इतनी ज़्यादा टीम्स हैं और आपके 9 मैच हैं हर टीम के साथ, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हल्की टीम के साथ प्रेशर कम, बड़ी टीम के साथ ज़्यादा, ये किस तरह बैलेंस करेंगे? उसामा, जब आपने तैयारी की होती है ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप तैयारी ना की हो, आपने रेस्ट किया हो या आपकी फोकस कहीं और हो, कि बाज़ और जिस तरह हॉकी के खिलाड़ियों के पास नए नए पैसे आए ना तो उन्होंने गेम पर फोकस करना छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये पैसे हमने इन्वेस्ट कहाँ करने हैं। तो अभी हमारे प्लेयर्स के पास पैसे बहुत आ गए, उनको गेम पर फोकस करना होगा, ना कि ये कि मैं प्रॉपर्टी पर पैसों को इन्वेस्ट करूं और वहां से पैसे कमाऊं। खेल पर फोकस होगा तो कोई प्रेशर नहीं होगा। मैं आपको बात बताता हूं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड में कवर कर रहा था और पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि आज पाकिस्तान भारत को चारों शाने चित करेगा और ट्रॉफी जीत लेगा, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीतेगा। और मैंने मैच से पहले ही जब प्लेयर्स के साथ मिला तो मैंने दोस्तों को, जो मीडिया के दोस्त थे, मैंने कहा आज पाकिस्तान ट्रॉफी जीत लेगा। और मैच के बाद मुझे बॉडी लैंग्वेज से आपको आइडिया, बॉडी लैंग्वेज जब आप दूसरी जगह, आपने दुबई में एक मैच इनके खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का खेला और पाकिस्तान ने वहां पर जब 10 विकेटों से उनको मारा, अब बाबर और रिजवान ने ही वो सारा स्कोर कर लिया। उस वक्त भी मैंने प्रेडिक्ट किया था आज पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये कुछ करने जा रहे हैं। तो सर इस कप में आप पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या बॉडी लैंग्वेज मैच से पहले पता चलती है कि आप किस तरह मैदान में उतरते हैं। ये बड़े लोग, जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, वो उसी वक्त जांच लेते हैं कि आज हमारा कप्तान का फोकस किस तरफ है। और जब आप नर्व्स होते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर मैच पर फोकस नहीं होता, फिर आप वहां पर जाके गलतियां करते हैं और वो गलतियां जो है वो आपकी शिकस्त का बात। सर हमारे पास, क्योंकि अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इलाज साहब मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जो प्रेशर प्लेयर अपने ऊपर खुद ले लेता है स्लो खेल के, जैसे आप पावर प्ले में स्लो खेल रहे, हमने देखा पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में 33 रन सिर्फ किए हुए थे पावर प्ले में, तो सर वो प्रेशर प्लेयर के ऊपर खुद नहीं आ जाता? वो ये प्रेशर खुद लेते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ वो लोग प्रेशर लेते हैं जिनको ये नहीं पता होगा विल पिन और आउट, जिनको अपनी टीम में सिलेक्शन के में के मैं क्या, तो वो लोगों पे प्रेशर में आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं पाकिस्तान की टीम में हूँ, आई मस्ट बी गुड इनफ टू प्ले फॉर द कंट्री, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग दिस मैच। लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली कई ऐसे यंगस्टर होते हैं दे डोंट केयर, लेकिन बूढ़े बंदे मेरी तरह के जो प्लेयर होते हैं दे आर गोइंग डाउन द थोड़ा सा, उनको ज्यादा प्रेशर आता है टू कीप प्लेइंग। तो मेरा ख्याल है ये दैट्स नेचुरल, लेकिन यहाँ बैठ के बात करना आसान होती है, मिडल में बात और होती है, और होता है प्रेशर आता है कोई भी हो, लेकिन यू हैव टू स्टे काम। अगर आप काम रहेंगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट, अगर यू पैनिक, you're panicking, you're going to make it more mistakes. Self-belief, so sir, self-belief. आपका अगर self-belief होता बड़ा जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने बात की यहाँ पे मैच की और आज होने वाला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, इसकी, और कल का जो मैच होगा पाकिस्तान की, इसकी भी।